लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। भगवान राम ने अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे, रामायण में भगवान राम की छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए 15 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिन रहस्य को स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। मित्रों, भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे, इसीलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ वन गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था? चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। मित्रों, यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अब भी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास न हो। दोस्तों,
जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी पड़े नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए खाना देते थे, मैं उस खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहां मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहां आपको लेकर चलता हूं जहां मैंने 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम उस जगह पहुंचे जहां लक्ष्मण ने खाना रखा था तो उसे देखकर भगवान राम एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। वहां खाने का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 दोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, 4 दोने कहां गए? क्या 4 दिनों का खाना आपने खाया है? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था तो उसी दिन आपने कुछ नहीं खाया और न ही उस दिन मुझे कुछ खाने को दिया। इसके बाद और जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला तो उसी दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और न ही मुझे खाने को दिया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया, और जब मुझे मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए इसमें 4 दोने कम हैं। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला मैं आपके आदेश बिना ये खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश बिना कुछ नहीं करता। और भैया, आप यह तो जानते ही हैं कि मेघनाथ को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, इसलिए मैं वहां सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे और मैं इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाथ को युद्ध में मार पाया था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।